हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्ची फ्राई, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी भी बनती है। अगर आपको भूख भी नहीं है तो ये हरी मिर्ची देख के हमें भूख लग जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। अगर सब्जी भी नहीं हो तो हम हरी मिर्ची के साथ आराम से चपाती खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरी मिर्च की ये रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे ये हरी मिर्च ली है मीडियम साइज़ वाली, जो ना तो बड़ी है ना ज़्यादा मोटी है और ना ही पतली है। तो हमें क्या करना है, एक हरी मिर्च लेना है, उसके बीच में से कट लगाना है इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है। और ये देखिए इसके अंदर बीज भी होते हैं, ये बीज। तो लेकिन मैं यहाँ पर बीज को नहीं निकालूँगी। अगर आप चाहो तो बीज निकाल सकते हो। अगर आप थोड़ा तीखा कम खाना पसंद करते हो तो आप इन बीजों को हटा के और मसाला भर सकते हो। मैं यहाँ पे बीज ये रखूँगी, नहीं निकाल रही। तो मैंने यहाँ पे सभी हरी मिर्ची को कट कर लिया है, एक एक कट लगा लिया सबके। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी हरी मिर्ची के कट लगा लिया है। और इधर हमारा जो मसाला है वो बना लेते हैं हरी मिर्ची में भरने के लिए। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया, इसी के साथ 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर लूँगी, क्योंकि धनिया और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रही हूँ और नमक लूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्ची पाउडर हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहो या ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ले लिया है और इसको हमें चम्मच से और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है इसके अंदर, आधी छोटी चम्मच के करीब ही, क्योंकि हमें मिर्ची के अंदर भरना है इस मसाले को। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है कुछ ऐसा होना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से थोड़ा टाइट होना चाहिए मसाला, तभी जो मसाला है वो हरी मिर्ची के अंदर टिक पाएगा। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हरी मिर्ची लेते हैं हाथ में और उसके अंदर हमने जो मसाला बना के रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, हाथ से आराम से थोड़ा सा दबा दबा के डाल देना है ताकि ये आसानी से बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हमें पूरी हरी मिर्ची को रेडी कर लेना है भर के। बहुत टेस्टी बनती है ये भरी हुई हरी मिर्ची और हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। इसको हम फ्रीज में 10 दिन तक आराम से रख सकते हैं, 10 दिन तक कुछ भी ख़राब नहीं होता है इस हरी मिर्ची के अंदर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी हरी मिर्ची को रेडी कर लिया, इस तरीके से उसको भर लिया है बिल्कुल। और इधर हम सरसों का ऑयल लेते हैं कढ़ाई के अंदर और इस ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। सरसों का ऑयल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि मिर्ची है वो फ्राई सरसों के तेल में ही होती है। और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर जीरा, और मैंने यहाँ पे जीरा और सौंफ डाली है आधी आधी छोटी चम्मच, मतलब 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सौंफ और डाली है जीरा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो हमने हरी मिर्ची भर के रखी थी वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से बड़े आराम से छोड़ना है इनको, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है और छींटे भी लग सकते हैं। हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा चटकती है तो हमें इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची रख दी है बहुत ही आराम से, लगभग सारी हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे रख दी है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आराम से। और इस टाइम हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देना, अगर हाई रखोगे तो छींटे बहुत ज़्यादा लगेंगे। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी हैं और अब हमें इनको बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा उलट पलट देना है। लेकिन अभी हम इनको छोड़ देते हैं, नहीं पलटेंगे क्योंकि हमने अभी इसको डाली है। अगर हम पलटेंगे तो मसाला वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटाते हैं। और अब हम हरी मिर्ची को बिल्कुल ही हल्के हाथ से फोक की सहायता से, चम्मच की सहायता से, या फिर जिससे भी आपको बेटर लगता है उसकी सहायता से हम इनको उलट पलट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हरी मिर्ची है वो बिल्कुल नीचे से अच्छे से पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इनको पलट रही हूँ, नहीं तो मसाला वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। और अब मैंने सभी हरी मिर्ची को पलटने के बाद में ऊपर से ढक्कन लगा के लगभग 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है और हरी मिर्ची हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, हरी मिर्ची फ्राई बनके रेडी हो चुकी है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक बार इस हरी मिर्ची की रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी सबको। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो
अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।